नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ शिखा। दर्शकों, भारत भूमि सदैव से ही संत महात्माओं की तपोस्थली रही है। ये वही भूमि है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सिखाया था, बताया था कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन वर्तमान युग में इंसान फल की इच्छा तो रखता है लेकिन कर्म नहीं करना चाहता और लगातार धर्म की हानि कर रहा है। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु की प्रेरणा से कोई ना कोई दिव्य शक्ति समाज के अंदर भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए अपना कार्य शुरू कर देती है। और उन्हीं तमाम शक्तियों में से एक दिव्य शक्ति आज हमारे साथ भी उपस्थित हैं और वो हैं देवी चित्रलेखा जी। चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे। जय श्री राधे। देवी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप जिस प्रकार से कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा आप कार्य कर रही हैं, भागवत कथा का गुणगान आप कर रही हैं, तो जानना चाहूंगी कि वर्तमान युग में भागवत कथा की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या लाभ होता है इसका प्रचार करने से? आज का जो समय है कलयुग, हर आदमी दौड़ रहा है और हर आदमी किसी ना किसी दौड़ में, कोई धन की दौड़ में, कोई सेहत के लिए, कोई परिवार के लिए, हर ओर दौड़ रहा है। लेकिन किसी भी चीज़ की अगर इस समय कमी है व्यक्ति के मन में तो वो है शांति। जब किसी की मृत्यु भी होती है तो हम यही कहते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो इसका मतलब कि उसको पूरे जीवन में सब कुछ मिला लेकिन शांति नहीं मिली। तो शांति की प्राप्ति, जो हम सोचते हैं कि हम किसी क्लब में जाके, पब में जाके, किसी थिएटर में जाके हमें मिल जाएगी, वहाँ थोड़ी देर का सुख तो मिल सकता है लेकिन जो आनंद है, जो शांति है, वो केवल और केवल भगवत चरणों में या सत्संग से ही प्राप्त हो सकती है। तो कथा का उद्देश्य एक ही है, लोगों को अपने आप से उनका परिचय कराना, उनको ये मालूम हो कि मैं कौन हूँ और वास्तविकता में मेरा लक्ष्य क्या है इस धरती पर आने का। और ये काम केवल सत्संग, भागवत, यही ग्रंथ कर सकते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है, जन जन तक इस प्रचार को पहुँचाना और लोगों को शांति की और आनंद की प्राप्ति कराना। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है देवी जी, क्योंकि वर्तमान युग में अगर हम हर एक व्यक्ति की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो लगातार वो दौड़ रहा है और ये नहीं देख रहा कि वो किस दौड़ में आगे बढ़ रहा है। तो जानना चाहूंगी कि जब भागवत कथा का प्रारंभ हुआ, कई सदी हो चुकी हैं, कब से हुई और किसने पहला ये प्रारंभ किया, किसने कथा वाचन किया और किसने सबसे पहले इस कथा का श्रवण किया? देखा जाए भागवत अनंत है जी, क्योंकि भागवत प्रारंभ वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है, वो द्वापर में की है। वेद व्यास जी ने 17 पुराण और भागवत 18वां पुराण द्वापर में लिखे थे। लेकिन एक चौपाई है, जब भगवान श्री रामचंद्र जो त्रेता युग में थे उस समय भी कहा गया है कि वशिष्ठ जी उनके द्वार पर आए और उन्होंने राम भगवान को वेद पुराण का पाठ सुनाया। तो भगवान राम तो त्रेता में थे और पुराण लिखे गए द्वापर में, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि शास्त्र अनंत हैं, इनका ना कोई प्रारंभ है और ना कोई अंत है, हर युग में ये चलते आ रहे हैं। जैसे कृष्ण नाम है, वो सदियों से चल रहा है और सदियों तक चलेगा, उसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है। शास्त्र भी वैसे ही है। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये कथा सर्वप्रथम सूत जी ने नैमिषारण्य में सुनाई थी, वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है और हम जो कथा लोगों तक पहुंचाते हैं वो सुखदेव जी के द्वारा कही हुई राजा परीक्षित को सुनाई जाती है। बाकी किस समय, किस युग में, ऐसा कुछ नहीं। भागवत अनंत है, सदियों से चल रही है और इसका कोई अंत भी नहीं। यानी कि कह सकते हैं जिस प्रकार से आत्मा अजर और अमर होती है, ठीक उसी प्रकार से भागवत कथा अजर है, अमर है और शायद आगे आने वाली कई सदियों तक इसका गुणगान इसी प्रकार रहेगा। अगर आप जैसी शक्तियों का ये कह सकती हूँ कि मार्गदर्शन लगातार दर्शकों को प्राप्त होगा। जानना चाहूंगी, अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति इस कदर भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त हो चुका है कि वो शायद ईश्वर का नाम लेना ही हो चुका है, शायद वो ये सोचने लगा है कि अगर हम ईश्वर का नाम लेंगे तो हमारे 2 मिनट वसूल नहीं हो पाएंगे, यानी कि उस 2 मिनट में हम शायद कितना ज्यादा धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्या आपको ये बात सही लगती है? देखिए, हर चीज का भगवान ने आपको एक समय दिया है। आपको भगवान ने कर्म के लिए भी कहा, अगर हम भगवद गीता की बात करें तो पूरी वो आधार ही कर्म के ऊपर है। भगवान खुद अर्जुन को कह रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैं तुम्हें उसका फल दूंगा, कर्म तो तुम्हें करना है। तो ना तो भागवत,
ना गीता ना रामायण आपको रोकती नहीं है आपका कर्म करने से या धन कमाने से। आप जॉब भी करिए, आप बिजनेस भी करिए, आप परिवार के साथ भी रहिए, लेकिन कुछ समय आपका ऐसा हो जो आप केवल भगवान को देते हो, जो आप प्रभु को समय दें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं तो ऑफिस जाने का मतलब ये थोड़ी आप भजन नहीं कर सकते। आपके घर से ऑफिस का जो रास्ता है वो पूरा टाइम आपका खाली है। जो लोग कहते हैं हम बिजी, टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम है, सबके पास है, बस फर्क कितना है उस टाइम को आप कहाँ उपयोग कर रहे हो। आप गाड़ी में बैठे बैठे इधर उधर देख रहे हो, या आप गाड़ी में बैठे थोड़ी देर महामंत्र जाप कर रहे हो, राधे राधे का जाप कर रहे हो, तो आपको कहाँ उस समय का उपयोग करना है ये चॉइस आपकी है। समय भगवान ने बहुत दिया है, बस उसको सही रास्ते पर उपयोग करना है। चलिए, ये तो हुई कर्म की बात, किस प्रकार से मनुष्य को कर्म करना चाहिए और जीवन में अग्रसर होना चाहिए। अब दृष्टिकोण डालना चाहूंगी आपके जीवन पर, जानना चाहूंगी कि आपने कब से इस कथा को प्रारंभ किया, कब से आपके मन के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। कोई भी अगर हम काम करते हैं, कार्य करते हैं या फिर हम सोचते हैं, तो कोई एक ऐसा निश्चित समय होता है जब हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होता है। आपके मन में किस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ? जब कोई बच्चा होता है ना, क्लास में जाता है तो लोग उससे पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो मुझे ये प्रश्न कभी सुनने को ही नहीं मिला, क्योंकि जिस समय लोग ये प्रश्न पूछते हैं उस समय इस रास्ते पे भगवान ने मुझे पहुंचा दिया। जब पहली कथा प्रारंभ हुई थी तब मेरी उम्र 7 वर्ष थी। 7 वर्ष की आयु में प्रथम भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। और मैं हमेशा कहती हूँ, लोग अपना लक्ष्य चुनते हैं कि मुझे ये करना, मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना, लेकिन उसकी एक समय होती है। लेकिन मैंने कथा को नहीं चुना, मैं कहती हूँ कि कथा ने मुझे चुना है, क्योंकि 7 वर्ष का बच्चा कभी ये सोच नहीं सकता कि उसको भविष्य में जाके ये करना है। तो कैसे हुआ, कब हुआ, मैं बस इतना मानती हूँ कि ये प्रभु की कृपा थी। उनको ये भगवान का नाम, गौ माता की सेवा लोगों तक पहुंचानी थी, और इसलिए प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए चुना उस आयु में। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके घर का माहौल क्या है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है कि अच्छे संस्कार मॉल में नहीं मिलते, अच्छे संस्कार घर के माहौल में मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो घर का माहौल पहले से ही भक्तिमय था, और मेरे माता जी पिताजी जहाँ भी सत्संग होता था बचपन से ही साथ ले जाते थे। तो जब आप जाते हैं सत्संग में, सुनते हैं, तो प्रभु की ऐसी एक कृपा हुई कि इच्छा हुई कि ये करें तो हमको भी तो कुछ करना चाहिए समाज के लिए। तो बस तब से प्रारंभ हो गई और आज तक ये यात्रा चलती आ रही है, प्रभु नाम प्रचार, जन जन तक गौ माता की सेवा पहुंचा रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि आपके मन का उद्देश्य ये था कि लगातार जो समाज में अभद्र व्यवहार की दूसरे के साथ हो रहा है और कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक बातें लोगों तक पहुंचाई नहीं जा रही हैं, माध्यम तो है लेकिन पहुंच नहीं पाती ठीक प्रकार से, तो आपने माध्यम चुना भगवान श्री राम, भगवान श्री कथा के गुणगान के माध्यम से, और वो माध्यम बहुत ही अच्छा है। अगर आपने यहाँ पर घर के माहौल की बात की, तो क्या घर के माहौल में से भी किसी ने ये शुरुआत की, क्या घर आपके घर परिवार में से भी किसी ने कभी तक कोई कथा वाचन किया है? नहीं, घर से कोई कथा नहीं करता, भागवत या प्रवचन सत्संग कोई नहीं करता है, लेकिन भक्ति पहले से थी, क्योंकि जो मेरे गुरुदेव हैं वो हमारे गांव में ही रहते हैं। वैसे वो बंगाल के हैं, गौड़िया संप्रदाय से हैं, तो मेरे दादाजी दादी जी उनके गुरु भी वही थे, फिर माता जी पिताजी हुए उनके गुरु भी वही थे, फिर मैं, एक बड़े भाई है मेरे, तो हमको भी उन्हीं से दीक्षा दिला दी गई। तो मेरी दीक्षा 4 वर्ष की उम्र में हो गई थी, तो मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि इनको मैं दीक्षा देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो हरिनाम प्रचार मैं करता हूँ, मैं हरिनाम में जो मेरी श्रद्धा है जन जन तक उसको पहुँचाया जाए। तो 4 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा हो गई थी। और भागवत कोई नहीं करता, लेकिन भक्ति सभी करते हैं, भक्ति पूजा भजन उसमें सबकी श्रद्धा पहले से ही बहुत थी, और गुरुजी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर था।
अच्छा, एक बात जानना चाहूँगी देवी जी, जब हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें वो बात, उस कार्य की से संबंधित बात हमेशा याद रहती है। जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है, पढ़ा है, तो मैंने ये पढ़ा है कि जब आप भागवत में गई थी, आपने अपने गुरु जी की भी बात कही है, जी तो मैंने ये पढ़ा है कि आप भागवत में गई थी, अपने गुरु जी ने आपसे कहा कि भाई अब कुछ वचन हम देवी चित्ररेखा से भी सुनना चाहेंगे। तो जी क्या आपको उस समय की वो वार्तालाप याद है? क्या आपको उस समय की वो व्याख्यान याद है? हाँ याद है। उस समय मैंने क्या था, हम संतों के सत्संग में जाते थे, तो कृष्ण कथा जो ठाकुर जी के जन्म से लेके आगे तक की जो कथा है, उसमें मेरी थोड़ी ज़्यादा पहले से ही रुचि थी। जी तो सत्संग सुनने गए, किसी की भागवत सुनने गए, उन्होंने कोई कृष्ण भगवान के ऊपर थोड़ी चर्चा की, तो वो चर्चा दिमाग में रही, तो वही चर्चा और थोड़ा सा नाम के ऊपर, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं वो नाम पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते, हरि नाम के ऊपर, कलयुग केवल नाम धारा, तो नाम के ऊपर उनका पहले से ही मुझे आशीर्वाद रहा, उपदेश उनका रहा। और हम बचपन से भी प्रातःकाल उठ के 4 बजे ही उठ जाते थे, और माताजी पिताजी वो हाथ में करताल देखे जी उसका जी कीर्तन किया करते थे सुबह 4 बजे से ही जाग करके। तो वो नाम के ही विश्वास के कारण वो सब संभव हो पाया, क्योंकि इंसान की खुद की ये हैसियत नहीं होती कि वो भगवान नाम, आप डॉक्टर बन सकते, इंजीनियर बन सकते, डॉक्टर बनने का कोर्स होता है, इंजीनियर बनने का कोर्स होता है, लेकिन एक संत बनने का या एक वक्ता बनने का कोई कोर्स नहीं होता, बिल्कुल क्योंकि ये सोच समझ के नहीं किया जाता, बस हो जाता है अपने आप जब प्रभु कृपा करते हैं। तो नाम का, हरि नाम का बहुत आशीर्वाद था, और नाम के ऊपर मैंने उस समय थोड़ा कुछ चर्चा की थी। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं आधा आशीर्वाद भगवान का और आधा आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपके माता पिता का, जी और प्रभु, आधी अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी लगन, जो कि सर्वप्रथम देखी जाती है। अगर इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर लगन हो तो वो हर एक वो कार्य कर सकता है जो वो सोच रहा होता है। अब जानना चाहूँगी कि आपका जो रूटीन है सुबह से शाम तक का, किस प्रकार से रहता है? किस प्रकार, कौन से समय में आप भगवान की आराधना करती हैं, कौन से समय में गौ की सेवा करती हैं, और कौन से समय में ये सोचती हैं, ये सोच विचार करती हैं कि आगे चलने वाले समय में और तमाम भक्तों तक किस प्रकार से बातें पहुंचाई जा सके, भगवान का आशीर्वाद पहुंचाया जा सके, उनका गुणगान पहुंचाया जा सके? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, चाहे वो ग्रंथों से संबंधित हो या आज के समाज के हिसाब से जो कुछ अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उनके द्वारा लिखी हुई कुछ अच्छी बुक्स हैं, पुस्तकें हैं। तो अधिकांश मेरा कथा के अलावा, जो 3-4 घंटे कथा होती है, उसके अलावा अधिकांश समय पढ़ने में, आध्यात्मिक ग्रंथ या कोई भी पुस्तक पढ़ने में निकलता है। और संगीत में भी मेरी बहुत रुचि है, संगीत में सीखती भी हूँ, तो जी प्रातःकाल उठ के रियाज करना, थोड़ा योगाभ्यास करना शरीर के स्वास्थ्य के लिए, और पूजा अपनी जो भी गुरुदेव के द्वारा दी गई है पूजा वो की जाती है। और कथा में है तो अलग विषय है, बाकी अगर हम अपने निवास घर पर रहते हैं तो वहीं हमने एक बहुत सुंदर प्रभु की कृपा से गौ माताओं के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण किया है, जी जो बीमार गौ माताओं का अस्पताल है, वहाँ गायों का इलाज किया जाता है हर प्रकार की बीमारी, क्योंकि आज गाय की दशा बहुत बहुत दयनीय है। तो उस हॉस्पिटल में भी जा कर के गौ माता की सेवा हम करते हैं, जब जब समय होता है गौ माता को जाके उनका इलाज, उनको गुड़ खिलाना, चारा खिलाना, तो वो सब सेवा निरंतर चलती है। कहीं ना कहीं ये भी आपकी एक लगन ही है, या फिर ये कह सकती हूँ कि आपका एक विश्वास है भगवान के ऊपर, और होना भी चाहिए क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है। और जैसे कि आपने कहा कि आपको पढ़ाई का बहुत शौक है, म्यूज़िक का बहुत शौक है, तो थोड़ी सी दो पंक्तियाँ मैं आपके माध्यम से सुनना चाहूँगी ताकि हमारे जो जातक इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी मंत्रमुग्ध हो जाएं और शायद आपकी इस वाणी से भगवान के चरणों तक पहुँच पाएं। संगीत एक बहुत अच्छी माध्यम है भगवान से जोड़ने के लिए। आप, हो सकता है कोई संगीत संसार के लिए जोड़ देता हो, कोई संगीत को भगवान के प्रति जोड़ देता हो, तो संगीत के माध्यम से भगवान से बहुत रुचि होती है। तो आपकी इच्छा है तो चलिए 2 लाइन बिल्कुल, और देवी श्रवण। जी वो लाइनें जो आपको बेहद पसंद हैं
पसंद तो मुझे सभी है। ठाकुर जी का हर भजन हर कीर्तन अपने आप में ही एक बहुत प्रिय होता है। तो एक छोटी सी लाइन है, बिल्कुल, जो ठाकुर जी से हमारा संबंध होता है, जो हमारा रिश्ता है भगवान के साथ, उसको हमें जानना है, पहचानना है, क्योंकि हर हर इंसान का भगवान से एक रिश्ता होता है, लेकिन उसको माया के उसमें आके हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, लेकिन उस रिश्ते को बस पुनः भागवत के माध्यम से हमें जोड़ना है भगवान के साथ। तो भक्त कहता है, प्रभु हम आपके हैं, आपके ही थे और हमेशा आपके रहेंगे। तो दो पंक्ति है, भक्त कहता है, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, मैंने तेरे हाथ में दे दी जीवन डोर, आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस ओर। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने प्रभु का गुणगान किया है और बताया है कि हे प्रियतम, अब जो कुछ है आपका है और आपके भरोसे हम हैं, जिस भी राह पर आप ले जाओगे उस राह पर हम चलने को तैयार हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने यहाँ पे गुणगान किया उनका। आप ये जानना चाहूँगी, क्या कभी आपने खेलने कूदने का, आपने कहा कि भाई बहुत छोटी उम्र होती है हालांकि आपका रुझान है भक्ति की तरफ, लेकिन फिर भी कभी आपने खेलने कूदने का प्रयास किया है अपनी सखी सहेलियों के साथ? कोई आपकी सखी सहेली हुई है? मेरा नाम चित्रलेखा है और चित्रलेखा जो राधा रानी की 8 सखियां थी उनमें से एक का नाम चित्रलेखा था, तो सबसे बड़ी सखी तो हमारी राधा रानी है जी। बात रही खेलने की, तो मेरे बचपन का पहला जो खिलौना था जो माताजी और पिताजी ने ला के दिया वो था कीबोर्ड, जो जिसपे गाना सीखते, पहला वो मेरा खिलौना था। तो उस खिलौने को पहली बार लाया गया और किसी ने मुझे सारे गामा सिखाया था, तो उसी पे मैं वो बजा बजा के वो धीरे धीरे अपने आप चलते 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 वो अपने आप आ गया। दूसरा खेलने के लिए हमारे आसपास के जो बच्चे हैं उन सबको बुला करके एक माताजी पिताजी ने लकड़ी का माइक बनाया था, लकड़ी का माइक, उसके ऊपर एक कॉटन लगा दिया और उसको लगा के खड़े होके मैं भाषण देती थी और सब बच्चे बैठ के उसको सुनते थे। तो बचपन से ये कोई मेरा बढ़प्पन नहीं है, लेकिन कुछ रुचि ही ऐसी थी, भगवान ने या तो पहले से ही सोच के ये सब भेजा हो कि खेलना भी है तो भी कुछ बोल के खेलो ताकि वहाँ जितने बच्चे बैठे उनको भी कुछ प्राप्त हो। तो ये खेल थे, बाकी इसके अलावा यहाँ वहाँ जाना वो बचपन से ही कभी नहीं रहा। और 7 साल से ही कथा शुरू कर दी तो उसके बाद कहाँ समय भी नहीं मिल पाता। आप जानना चाहूँगी, जैसे कि सभी जानते हैं नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, नव वर्ष में आप क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे तमाम जातकों को? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, सभी भक्तगणों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और यही भगवान से प्रार्थना है कि इस नववर्ष में आप खूब आगे भी बढ़े, सुख मिले ये मैं नहीं कहूँगी क्योंकि सुख आएगा तो दुख भी आएगा, ये पक्की बात है, लेकिन आपकी जीवन में आनंद आए, खूब आनंद आए, आप खूब प्रेम से रहे, लोगों को खुशियाँ बांटे, आनंद बांटे, क्योंकि आनंद बांटने से ही बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात जो मुख्य रूप से जो मेरा उद्देश्य है कि इस नववर्ष में जितना हो सके, जितना अधिक हो सके, आप सब गौ माता की सेवा करें, क्योंकि गाय की रक्षा करने से ही विश्व की रक्षा हो पाएगी। ये वर्ष ऐसा जाए कि जो गाय के मांस
निर्यात में, एक्सपोर्ट में बढ़ावा हो रहा है। भगवान करे ये वर्ष वो खत्म हो जाए और ऐसा कुछ प्रयास या तो सरकार के द्वारा या आम जनता के आवाज़ उठाने के द्वारा किया जाए कि लोग गौ माता की दुर्दशा को बंद करें। मैंने कथाओं में भी कहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने बहुत एक नोटबंदी का एक मुद्दा उठाया था, तो जब एक व्यक्ति इतना बड़ा मुद्दा एक दिन में उठा सकता है तो कुछ भी कर सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप हमें 50 दिन दो, हम बदल के दिखाएंगे। तो हम भारतवासियों ने खुशी खुशी दे दिए, हमने कहा ठीक है आप इसको जो भी आप कहना चाहते, हमने दे दिया। अब थोड़ी हमारी भी सुनी जाए, हमारे जो उद्देश्य है गौ माता की रक्षा उसको भी सुना जाए, क्योंकि गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो विश्व बचेगा, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः। तो मेरी लोगों से भी प्रार्थना है, इस नव वर्ष में हर एक आदमी एक रेजोल्यूशन लेता है, एक प्रतिज्ञा लेता है, मुझे ये करना है। तो आप प्रयास करिए कि हमको आज से इस नव वर्ष में सबसे पहले प्रथम भोजन, पहली रोटी गाय को देनी है, और कहीं भी कोई भी गाय हमें सड़कों पर दिख रही है तो उसकी रक्षा करनी है। और एक सबसे बड़ी प्रार्थना मेरी माता बहनों से है, कोई भी भोजन या खाद्य पदार्थ प्लास्टिक की पॉलिथीन में रख के सड़कों पे ना फेंके, उससे गाय बहुत बड़ी तादाद में मर रही हैं। हमारे हॉस्पिटल में जब गायों का ऑपरेशन होता है तो 70-80 किलो प्लास्टिक एक गाय के पेट से निकलता है, तो बहुत बड़ी हानि हो रही है। आप सब नववर्ष में प्रतिज्ञा करें कि जो भी मदद, जो भी सेवा गौ की रक्षा में होगी, हम सब अवश्य करेंगे। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि भागवत कथा के साथ साथ देवी जी का आधा समय व्यतीत होता है गौ माता की सेवा में। गौ माता की सेवा में देवी जी सदैव तत्पर रहती हैं और गौ माता का अस्पताल का भी निर्माण हो चुका है, वहाँ पर गौ माता की पूर्ण निरीक्षण के साथ उनकी सुविधा देखी जाती है और उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। और यदि आप भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं गौ सेवा से संबंधित, या फिर आप जानना चाहते हैं कि आप उस गौ सेवा का जो देवी जी का एक कह सकती हूँ कि उद्देश्य है, एक संदेश है आप सभी के प्रति कि आप भी गौ की सेवा कर सकते हैं, उन्हीं के मुखारबिन से जानते हैं कि किस प्रकार से उनका उद्देश्य रहा और आप किस प्रकार से उस उद्देश्य में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो देवी जी, क्या कहेंगी आप गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के बारे में? इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की शुरुआत आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व हुई थी और एक मन में विचार आया था कि गौशालाएं तो अधिकांश सब जगह होती हैं, लेकिन अगर कोई गाय बीमार है तो उसका उपचार, उनका इलाज, उनका ट्रीटमेंट की सुविधा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो हमने इस हॉस्पिटल की शुरुआत की ब्रजधाम में ही, ये होडल क्षेत्र पड़ता है, ब्रज की परिधि में आता है, तो वहाँ इसका प्रारंभ हुआ। और इस हॉस्पिटल का एक ही उद्देश्य है कि जितनी भी आसपास की बीमार गाय हैं उन सबको हॉस्पिटल में लाया जाए और उनका उपचार निःशुल्क किया जाए। तो इस हॉस्पिटल में जो हमने सोचा नहीं था उससे कहीं बढ़ करके ये कार्य हुआ। ये हॉस्पिटल लगभग 10 से 15 डॉक्टर्स वहाँ, वेटरनरी डॉक्टर्स रहते हैं, लगभग 90 से 100 लोगों की टीम है जो गाय माता की ट्रीटमेंट, गोबर, सफाई सब का ध्यान रखती है। 3-4 एम्बुलेंस हैं, जहाँ से भी कॉल आता है तुरंत वहाँ जाते हैं और गौ माता को लेके आते हैं। और ये एक ऐसा आधुनिक हॉस्पिटल है जो शायद कहीं भी लोगों ने नहीं देखा होगा। यहाँ कैंसर की गाय आती हैं, गौ माता के पेट से प्लास्टिक निकाला जाता है, सीजेरियन ऑपरेशन होता है, और ऐसे नई टेक्नोलॉजी हम लाए हैं जिसके द्वारा जो किसी ने सुना नहीं होगा, गाय के जिनके 3 पैर हैं उनको चौथा पैर हम प्लास्टिक का लगाते हैं। किसी भी गाय को या पशु को, गाय पशु नहीं है लेकिन और भी पशुओं को प्लास्टिक का पैर कहीं भी नहीं लगाया जाता, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने कुछ रिसर्च करके एक प्लास्टिक पैर बनाया। कई बार गाय की एक्सीडेंट में ट्रक निकल जाता है, पैर टूट जाता है, तो उनके पाँव में एक लोहे की रॉड डाली जाती है जो इंसानों को डलती है, तो वही गायों को डलती है। गायों के कई बार एक्सीडेंट में दांत टूट जाते हैं तो उनकी वायरिंग की जाती है, गौ माता का पूरा जबड़ा, ट्यूमर है, हर्निया है,
बुखार है, ये सब बीमारी गायों को भी होती है, क्योंकि अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं होता. बिल्कुल गायों को बुखार होता है, जुखाम होता है, सब होता है. तो वो सारी जो भी बीमारी है उन सब का ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही श्रद्धा से, भाव से, जो काम करने वाले भी हैं वो भी बड़े प्रेम से करते हैं. और हमने चारों ओर इलाके में हॉस्पिटल का, एम्बुलेंस का नंबर दिया है. कभी भी आपको कोई भी गाय कहीं मिल रही हो, एक्सीडेंट है, बीमार है, तो आप हमारे एम्बुलेंस पर संपर्क करें, गाय वो लेके आएंगे और उनका ट्रीटमेंट पूरी सुविधा के साथ वहाँ किया जाता है. बिल्कुल, यानी कि गौ माता की अच्छे से रख रखाव वहाँ पर किया जाता है, किसी प्रकार की असुविधा उनके साथ नहीं वहाँ पर बरती जाती है. चलते चलते अब देवी जी एक बार फिर से आपको ले जाना चाहूँगी भक्ति भाव में, प्रभु के चरणों में. सुनना चाहेंगे एक प्यारा सा भजन. अभी राधा रानी की बात चली थी जी और राधा रानी ही सब कुछ है, कृष्ण की भी इष्ट राधा रानी है. तो राधा रानी का नाम लेते हुए विश्राम करेंगे. भक्त कहता है, अभी बात हुई थी ना, मांगता है जी जी कोई ना कोई, कुछ ना कुछ मांगता है, धन मांगता है, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो ये सब नहीं मांगता. वो केवल मांगता है आपकी भक्ति बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. जी तो भक्त कह रहा है राधा रानी से, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना. हो मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना. छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया. राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा. हो मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, चरणों से लिपटाए रखना. बहुत ही सुंदर वचन और बहुत ही मधुर वाणी आपने प्राप्त की है देवी जी, क्योंकि कह सकते हैं कि जब भी प्रभु का गुणगान करना है तो भक्त निश्चल भाव से, उसके मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता, कपट नहीं होता और भगवान की भक्ति में वो लीन हो जाता है. ठीक उसी प्रकार से आप भी भगवान की भक्ति में लीन हैं, और ये जानकर हमें भी बहुत अच्छा लगा. हृदय से आपका आभार कि आप यहाँ तक आई, इतना कीमती समय आपने हमें दिया और अपने से संबंधित छोटी छोटी और अनमोल बातें हमसे साझा की. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है. जय श्री राधे. जय श्री राधे. तो दर्शकों, आज हमारे साथ थी देवी चित्रलेखा जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से वर्तमान युग में आप भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं, और साथ ही साथ अपने से संबंधित बहुत से ऐसे विचार साझा किए जो शायद कहीं ना कहीं आप लोग नहीं जानते थे, और अगर आपने जाने तो आप भी उन विचारों से सहमत होकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा, और उद्देश्य हमारा यही है. आज के हमारे विशेष अंक में बस इतना ही. हमें दीजिए अनुमति. जय श्री राधे.